हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये देखिए, आज हमने बनाई है माता रानी के भोग की थाली। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, उतने ही खाने में टेस्टी है और बनाना उतना ही आसान। तो चलो बनाना शुरू करती हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें एक कटोरी आटा डाल दिया है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं। और इसमें एक चम्मच डाला है हमने ऑयल और थोड़ा सा डाला है नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा, दो चम्मच के करीबन हमने डाला है सूजी। अगर आप चाहें तो सूजी डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे सख्त आटा हमें लगाना है। दोस्तों, सूजी हमने इसलिए डाली है क्योंकि सूजी से पूड़ी बहुत ही क्रंची बनती है और फूली फूली। ये देखिए, हमने आटा लगा लिया है कुछ ऐसा। अब इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तब तक हम अपने चना तल लेंगे। ये काले चने हैं जिसे हमने रात के भिगो के रख दिया था और इसे बॉईल कर लिया है। और अब बनाएंगे इसके मसाले। ये हमने डाल दिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच, और आप यहाँ चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं दोस्तों। और ये डाल दी है हमने थोड़ी सी हल्दी 1/2 चम्मच। ये डाल दिया है हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इन्हें करेंगे मिक्स। और ये काली मिर्च पाउडर। और यहीं पे डाल देंगे दोस्तों हम नमक। हमने नमक बाद में डाला है, हम यहीं पर डाल सकते हैं इसी में। और थोड़ा सा पानी डाल के 2 चम्मच इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें दोस्तों इसलिए तैयार करना है क्योंकि हम जब ये मसाले ऑयल में डालेंगे तो ये जल जाएंगे, इस तरह से ये नहीं जलेंगे। और ये अदरक का पेस्ट और ये 3 हरी मिर्च कटी हुई और 3 ही हमने लंबे शेप में काट ली हैं। और अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डाला है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डाल लें हींग और जीरा और ये 2 तेज़पत्ते। दोस्तों, तेज़पत्ता डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चने का, इसलिए हमें ज़रूरी डालने हैं तेज़पत्ते। अब डाल दिए हमने अदरक का पेस्ट। आप क्रश करके भी अदरक डाल सकते हैं या काट करके डाल सकते हैं। हमने इसे पेस्ट में डाला है। अब इन्हें भून लेंगे सभी मसालों को। और अब हम डालेंगे अपने मसाले का घोल और इसे भी इसी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा भुन चुका है, ये तेल छोड़ चुका है। अब डालेंगे इसमें चने और इस तरह से इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए इस मिक्स करेंगे, जब तक ये मसाला अंदर तक ना पहुंच जाए तब तक इसी तरह से चलाते हुए मिक्स करना है हमें। और ये हमें नमक डाल देना है। अब इसे भी करेंगे मिक्स इसी तरह से चलाते हुए। और ये चने हमारे बन चुके हैं, उसे निकाल लेंगे हम बाउल में। और इधर आटा भी हमारा रेस्ट हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे। और इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे दोस्तों। आप चाहें कैसे भी बना सकते हैं, चाकू से काट के बना सकते हैं, हम इसी तरह से बनाते हैं। अब एक लेंगे लोई और उसे करेंगे घी से ग्रीस। और इस तरह से किनारे से दोस्तों हमें बेलना है, बीच में ज़्यादा पतला नहीं करना है, किनारे से पतला करना है। और हमारी पूड़ियाँ सभी फूल के आएंगी इस तरह से। हम एक भी पूड़ी हमारी बगैर फूली हुई नहीं रहेगी इस तरह से अगर बेलेंगे तो। और ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम दूसरी पूड़ी भी बेल के। इस तरह से हम सभी पूड़ियाँ अपनी बेल लेंगे। ये देखिए, हमने पूड़ी सभी बेल ली हैं। अब हम सेकेंगे इन्हें। गैस पे रख दी है हमने कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल। और ये अच्छे से ऑयल गरम हो चुका है दोस्तों हमारा। अब इस तरह से
हल्के हाथों से चलाते हुए, ये देखिए हमारी पूड़ी फूल चुकी है। अब इसे पलट देंगे, हमने रवा डाला है इसलिए हमारी पूड़ी इसी तरह से फूली हुई रहेगी। रवा डालने का यही खास मकसद था हमारा कि हमारी पूड़ी बैठेगी नहीं, इसी तरह से फूली रहेगी, चाहे कितनी भी ठंडी हो जाए लेकिन पूड़ी हमारी इसी तरह से रहेगी। और ये देखिए हम आपको दूसरे सेक के दिखा रहे हैं, पूड़ी हमारी सभी फूल के आएंगी, एक भी बगैर फूली नहीं रहेगी दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम सभी पूड़ियाँ सेक लेंगे। और सेक के अपनी निकाल लेंगे पूड़ियाँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ये देखिए हमने थाली लगा ली है। अगर आपको हलवा की रेसिपी देखनी है सूजी के हलवे की तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलो मिलते रहेंगे।